संयुक्त राष्ट्र में भारत का अंदाज देखकर पूरी दुनिया हैरान है। संयुक्त राष्ट्र का मंच जब जब सजता है, देशों को बोलने का जब जब मौका मिलता है, भारत केवल एक पक्ष पर ही आकर ठहरता है, और वह एक पक्ष व एक मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों का है। सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति की कार्यप्रणाली पर भारत ने चिंता जताते हुए कई विषयों को रखा। वीटो की ताकत और उसके दुरुपयोग को लेकर भारत लंबे वक्त से अपना पक्ष रखता आया, और इस बार तो भारत ने चीन को सरेआम सबके सामने जमकर लताड़ दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन को खरी खरी सुनाई। भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए सबूत के साथ चीन को एक्सपोज किया है। भारत ने वीटो के इस्तेमाल को लेकर चीन पर निशाना साधा। पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों पर प्रतिबंध रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल चीन द्वारा कई मौकों पर किया गया है, और इसी मुद्दे को भारत ने उछाला। भारत ने कहा, वैश्विक स्तर पर आतंकियों को सबूतों के आधार पर प्रतिबंध की मांग की जाती रही है, लेकिन बिना कोई कारण बताए ही उन पर प्रतिबंधों के प्रस्ताव को ब्लॉक किया जाता है। इस बयान के बाद भारत ने चीन जैसे देश की नींद उड़ा दी है, क्योंकि चीन ही वह देश है जो भारत को परमानेंट सदस्य बनने से बार बार रोकता है। वैसे बदलाव की मांग भारत द्वारा लंबे वक्त से की जा रही, खासकर वीटो पावर को लेकर भारत की मांग काफी पुरानी है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट जरूर मिलेगी। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से देश हैं जो भारत को परमानेंट सीट मिलते देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुनिया प्रतिस्पर्धा से भरी है। कुछ लोग भारत को रोकने की कोशिश करेंगे, भारत के रास्ते को मुश्किल करने के लिए हर तरह की बाधा खड़ी करेंगे। अब कौन उत्पन्न करेंगे ये तो दुनिया को पता है, उस देश का नाम है चीन। लेकिन अब चीन धीरे धीरे बेहाल होता जा रहा, भारत लगातार एशिया में उसकी पकड़ को कमजोर कर रहा, और चीन को भारत की ताकत का अंदाजा अब लगने लगा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत जिस तरह चीन को खरी खोटी सुना रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। विशेषज्ञों की माने तो यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध चीन और पाकिस्तान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो यह चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस बदलाव का असर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर चीन की जितनी अहमियत इस वक्त है, भारत उससे कहीं आगे निकल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लग सकती है। भारत के स्थायी सदस्य होने पर पाकिस्तान के सामने भी इसी तरह की समस्या आएगी। आतंकियों को पालने वाले मुल्क पाकिस्तान पर दबाव बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो इसका असर चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि चीन दुनिया के सबसे प्रभावी संस्थान से भारत को बाहर रखने के लिए तमाम चालें चलता है। यही नहीं, चीन अपने प्यादे पाकिस्तान के रास्ते भारत के खिलाफ अभियान भी चलाता रहा है। भारत अब तक यूएनएससी का 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, लेकिन सारी ताकत सिर्फ 5 देशों के पास ही रहती है। भारत लंबे वक्त से स्थायी सदस्य बनने के लिए जोर लगा रहा है, लेकिन चीन हमेशा भारत के खिलाफ वोट करता है, जिस वजह से भारत अब तक इसमें शामिल नहीं हो पाया। भारत चीन के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद है। लद्दाख सीमा पर कई बार विवाद गहरा हो चुका है। दोनों देशों के जवान दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। चीन पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। भारत अगर यूएनएससी में शामिल होता है तो चीन की यूएनएससी में हालत कमजोर हो जाएगी। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत अगर यूएनएससी का सदस्य बनता है तो इस संस्था का वह सबसे मजबूत सदस्य होगा। लेकिन दोस्तों, जिन देशों के पास स्थायी सीट है और वीटो है, वह इसे बदलना नहीं चाहते, और भारत को अगर वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज में शामिल होना है तो उसे हर हाल में यूएन की परमानेंट सीट चाहिए, साथ में वीटो पावर भी। यही कारण है कि भारत ने यूएनएससी में एक महायुद्ध छेड़ दिया है, जिसमें भारत को लगातार सपोर्ट भी मिल रहा है। दोस्तों, ये सभी वीटो पावर वाले देश चाहते हैं कि बेशक यूएनएससी में स्थायी देशों की संख्या बढ़ जाए, लेकिन वीटो सिर्फ 5 देशों तक सीमित रखा जाए। भारत को वीटो ना मिले और भारत को यह दादागिरी कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि वीटो पावर के चलते कई काम अटक जाएंगे। मतलब ठीक से कहें तो 77 साल तक वीटो पावर को एंजॉय कर रहे ये देश अब भी इसका मजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, न ही इसे दूसरों को देना चाहते हैं। वो भी तब जबकि फ्रांस और ब्रिटेन आज की डेट में भारत, जापान और जर्मनी से नीचे गोते लगा रहे हैं। यूएनएससी की परमानेंट सीट और वीटो पावर दोनों भारत के लिए बहुत जरूरी हैं।
भारत ने इसके लिए 77 साल तक इंतजार किया है। आज परिस्थितियां भारत के फेवर में हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज तक किसी देश पर आक्रमण का आरोप भारत पर नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत देश है। वह स्पेस में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। मिलिट्री और डिफेंस में भारत की ताकत का लोहा दुनिया मानने लगी है। यूएन को $40 मिलियन की ग्रांट भारत ही हर साल देता था। हालांकि भारत ने यूएन की मौजूदा हालात को देखते हुए फंड को कम जरूर किया, लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ने ऐसा भारत का क्या बिगाड़ा है? तो देखिए, इन सब के पीछे जिम्मेदार है यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल। दरअसल ये काउंसिल ही सबसे ज्यादा ताकतवर है और यही यहां पर पावर सेंटर है। इतना ही नहीं, इनके अलावा यूनाइटेड नेशन में बाकी के जो 180 से लेकर 182 देश हैं, वह कुछ भी कहते रहे उनकी एक नहीं चलती। न ही उनके पास कुछ पावर है। लेकिन जो यह 5 शक्तिशाली देश है, यानी कि अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश जो कहते हैं वही होता है। और इन देशों को ही पावर मिली हुई है यूनाइटेड नेशन की। ऐसे में भारत चाहता है कि इस पावर में या तो भारत को शामिल किया जाए, या फिर भारत इस पावर को ही अब खत्म करके मानेगा। यानी कि भारत चाहता है कि उसे इस यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाए, वह भी वीटो पावर के साथ। और ये बात बिल्कुल जायज है। यहां तक कि अमेरिका जैसे देश भी कहते हैं कि आज भारत एक पावरफुल नेशन बन चुका है, जहां अमेरिका, रूस और चीन की नहीं चलती। वो देश भी भारत की बात को गौर से सुनते हैं। लेकिन अब भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है कि यूएन के मिशन के लिए जो भारतीय सैनिक हर साल जाते थे, बाकी देशों में भारत उन सैनिकों को वापस बुला रहा है। और हो सकता है कि भारत आगे से यूएन के किसी भी मिशन में अपने सैनिकों को न भेजे। ऐसा ही होने वाला है। और भारत ने ये काम ऐसे ही नहीं किया, बल्कि भारत इससे आगे यूएन को हिला देने वाले एक्शन लेने वाला है, जिसके बाद खुद यूएन चीफ भारत आकर भारत को यूएन की स्थायी सीट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और चीन जैसे देशों की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के रास्ते का रोड़ा बन जाए। भारत ने इतना बड़ा फैसला इसीलिए लेना सही समझा क्योंकि लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत जोर दे रहा है, लेकिन इसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, ये चारों मिलकर G4 का निर्माण करते हैं और लगातार यूएनएससी में तत्काल सुधारों की मांग करते आए हैं, ताकि मौजूदा जियोपॉलिटिकल हकीकतों का समाधान किया जा सके। यहां तक कि भारत में मौजूद रूसी राजदूत डेनिस अलेप्पो ने बताया कि रूस का मानना है कि भारत को सुरक्षा परिषद में अगर स्थायी सदस्यता दी जाती है तो इससे संतुलन स्थापित होगा, ये पूरी दुनिया के हित में होगा। और यदि एक तरफ रूस जहां भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है, वहीं चीन भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। विश्लेषकों के मुताबिक चीन की कोशिश है कि वह एशिया से अकेले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बना रहे और भारत को उसमें घुसने नहीं दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।